नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज अ मशीन गन इज माउंटेड ऑन अ 2000 किलोग्राम कार ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन लेस सर्फेस एट सम इंस्टेंस द गन फायर बुलेट ऑफ 10 ग्राम ईच विद द वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू द कार सवाल ये नंबर ऑफ बुलेट्स फायर पर सेकेंड हमें दिया हुआ है कि नंबर ऑफ बुलेट्स फायर पर सेकेंड इज टेन सवाल ये है कि एवरेज थ्रस्ट ऑन द सिस्टम क्या होएगा हमारे ऑप्शन है 50 न्यूटन 250 फिफ्टी न्यूटन फाइव फिफ्टी न्यूटन या फिर 250 फिफ्टी डाइन नाउ सिंपल सवाल है ये जो आपकी मशीन uh, गन है इसको हमने uh, इस तरह माउंट किया हुआ है और यहाँ से हम बुलेट्स फायर कर रहे हैं सो so, ये जो हमें डेटा दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं ये अपनी गाड़ी जो है दिस इज़ टू थाउजेंड और इसके ऊपर जब हम बुलेट्स फायर कर रहे हैं तो इसका जो हमारी जो बुलेट्स हैं सो टेन ग्राम्स की एक बुलेट है और इसकी स्पीड फाइव हंड्रेड मीटर पर सेकेंड है और नंबर ऑफ बुलेट्स जो है दैट इज़ टेन टेन बुलेट्स पर सेकेंड हम यहाँ से फायर कर रहे हैं सो टेन बुलेट्स पर सेकेंड के हिसाब से हम यहाँ फायर कर रहे हैं हमें ये बताना है कि एवरेज थ्रस्ट अपने सिस्टम पे क्या होगा ना ये अपने को पता है वेरिएबल के केस में हम लिख सकते हैं थ्रस्ट विल बी इक्वल टू यू मल्टीप्लाइड बाई डी एम बाई डी टी U की वैल्यू तो हमें यहाँ पे 500 दी हुई है हमें dm एम बाई निकालना है कि कितना मास पर यूनिट टाइम हम यहाँ से मास चेंज कर रहे हैं डी एम बाई जो हो जाएगा वो होएगा नंबर ऑफ़ बुलेट्स पर यूनिट सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय एक बुलेट का टाइम सो नंबर ऑफ़ बुलेट्स पर यूनिट सेकेंड जो है नंबर ऑफ़ बुलेट्स पर सेकेंड है वो आपके टेन आ गई मल्टीप्लाइड बाय दस ग्राम उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे टेन टू पावर माइनस थ्री सो दिस विल बी ये हमारा अपथ्रस फोर्स आ जाएगा इसको कैलकुलेट करके हम कह सकते हैं कि एफ विल बी इक्वल टू फिफ्टी न्यूटन सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी फिफ्टीन न्यूटन वुड बी द राइट आंसर